आज मैं बात करने वाला हूं कि पेनिस मसाज से लिंग को ताकतवर कैसे बनाना, पेनिस मसाज के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, कोई भी मसाज जो है, जहां आप मसाज करते हो वो एरिया ताकतवर बनता है। लोग फुट मसाज करते हैं, बॉडी मसाज करते हैं, तो मैं बात करने वाला हूं पेनिस मसाज के बारे में। इसमें आयुर्वेदा और यूनानी, इसमें भी इसको काफी सारा सपोर्ट दिया हुआ है कि भाई पेनिस मसाज जरूरी क्यों है। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते अच्छे होने के लिए और रोमांटिक होने के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि पेनिस मसाज जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप तैयार करता है, क्रिएट करता है। तो फिर सवाल आता है कि मसाज है क्या। मसाज मतलब है रगड़ना, एक्चुअली इसको बोला जाता है तो कि भाई रगड़ना है। तो इसमें होता क्या है, मसाज करने से टोन इंप्रूव होता है, खून जो है उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और यह हजारों साल से आयुर्वेदा में इच्छा जो कम होती है सेक्स की, इसके लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला हुआ है और वो फायदेमंद, ऐसा कहा है, हजारों साल से आयुर्वेदा में बोला है। पेनिस मसाज के साथ में जब आप पेनिस को मसाज करते, लिंग को मसाज करते हो, तो उसके साथ में थोड़ा सा हल्का सा टेस्टिकुलर मसाज, अंडाशय जो है उसको मसाज करना चाहिए, पेरिनियम जो है उसके पीछे वाला एरिया उसको मसाज करना चाहिए, प्यूबिक एरिया है, थाइज है, ये सबकी मसाज, मतलब पूरा एरिया है, सबकी मसाज करना जरूरी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये कैसा करना है। तो मसाज करने के फायदे बहुत है। एक तो क्या होता है कि जब आप मसाज करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है। होता क्या है कि जब अपने को मेंटल स्ट्रेस है तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पेनिस का कम हो जाता है। क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस में एड्रेनेलिन और स्टीरॉयड, ये हार्मोन से इसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता। तो ये मसाज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। इनएक्टिविटी की वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, मतलब आप इनफ्रिक्वेंटली सेक्स करते हो, सेक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, मतलब बहुत हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, तो उससे भी सर्कुलेशन कम हो जाता है। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, शराब, इससे भी खून की नलियाँ तंग आ जाती है, छोटी होती है, और इससे भी सर्कुलेशन कम हो सकता है। तो ये पेनिस मसाज जो है वो इच्छा जब कम रहती है उसमें भी काम में आता है कि भाई इच्छा ही नहीं है तो डेफिनेटली पेनिस मसाज जब करते हैं तो लिबिडो जो है वो लिबिडो बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है, और उससे फिर सेक्स करने में आसानी होती है। तो क्या होता है कि कोई भी मसाज क्या करता है, कोई मसाज टोटल बॉडी को करते हैं लोग, जैसे मसाज पार्लर आपने देखे होंगे, तो टोटल बॉडी को स्ट्रेस से रिलीज जब करता है मसाज, तो होता क्या है कि जब रिलीज होती है बॉडी पूरी, तो नेचुरली जब आप मसाज करते हैं, पेनिस मसाज करते हैं, टेस्टिकुलर मसाज करते हैं, तो डेफिनेटली सेक्स हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे कि फिर इरेक्शन में फायदा होता है। और हो सकता है कि पेनिस का जो पूरा एरिया है, पेनिस की जो शॉर्ट मसल्स रहती है, तो वो जो टूटी फूटी समझौती रही तो मसाज से वो अच्छी हो सकती है, वो क्योर हो सकती है, तो उसके लिए भी मसाज काम में आता है। मसाज करें किससे, तो मसाज आप कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल तेल, ऑलिव ऑयल प्योर जो मिलता है उससे कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों, क्योंकि ये ऑयल जो है ये कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल है, मतलब इस ऑयल में किसी तरह का हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है। किसी भी ऑयल को हीटिंग प्रोसेस से प्यूरीफाई यदि किया तो उसकी क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसके अंदर किसी भी तरह का हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं रहते, केमिकल्स नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से ऑयल ये नेचुरल रहता है और कोई फ्रेगनेंस उसमें नहीं होना, खुशबू नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम नेचुरल एरोमा होना चाहिए। और यह ऑयल इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। तो मेरे पास जब पेशेंट्स लोग आते हैं तो मैं ये ऑयल प्रिस्क्राइब करता हूँ। ये ऑयल जो है वो एक्सट्रीम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम ऑयल, प्रेस्टो ऑयल, और इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स है। जैसे मैं आपको पढ़ूँ कि इसमें तेल खस है, मलकांगनी है, काफ़ी सारे, मतलब इतने सारे कि मैं पढ़ने को जाऊँ ना तो काफ़ी सारा टाइम इसमें चले जाएगा। आप ये मंगा सकते हैं, ये आयुर्वेदिक ऑयल उपलब्ध है। और इसमें वार्निंग है, वार्निंग ये है कि कोई भी ऑयल आप लेते हैं और ऑयल से कभी खुजली आती है, रेडनेस यदि आ गया, मतलब लाली आ गई, एलर्जी है, तो तुरंत उसको धो लेने का है, ऑयल को छोड़ देने का है, लेना नहीं है। तो मसाज करने के पहले क्या करना है, मसाज करने के पहले शुरू में आप नहा लो, स्नान कर लो, शॉवर लो, और गुनगुने पानी से नहा लो, एटलीस्ट सभी नीचे का हिस्सा जो है वो पूरा धो डालना है साबुन से। आप यदि डिटॉल का साबुन वापर रहे तो बहुत ही अच्छा है, बदबू मैल सब साफ कर लो, और सोप को इस्तेमाल करो, हेयर्स निकाल डालो पूरे कम्प्लीटली। पार्टनर के साथ में मसाज के लिए प्लान कर आप कर सकते हैं कि भाई पार्टनर के साथ में यदि मसाज करते तो प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ती है, एक दूसरे का केयर करते ऐसा लगता है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी अच्छा डेवलप होता है, और पार्टनर जो है वो आपको मसाज कर सकता है, आप पार्टनर को मसाज कर सकते हैं। अभी एक थोड़ा ये भी देखना है कि भाई हम कौन से स्पेस में कर रहे हैं।
स्पेस में मतलब ऐसा कि कमरे को अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नाइट है, फिर पार्टनर एकदम खुश होना चाहिए तो कमरे को खूबसूरत बनाते हैं, तो फिर स्प्रे मारो या कैंडल्स जलाओ, है ना, अलग अलग तरह से, और मतलब अच्छा करते हैं, वातावरण अच्छा रहता है तो मज़ा आता है उसमें। और बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा मसाज करते तो जल्दी निकल सकता है, वीर्य निकल सकता है, वीर्यपात हो सकता है, तो इसलिए वो फिर छोड़ देने का, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया तो। मसाज पेनिस का ये कामिंग एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटी है, ये पैर की एक्टिविटी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब मसाज करते हैं तो प्यूबिक एरिया, मतलब जो टेस्टिकल है अंडाशय, उसके नीचे का जो एरिया है, प्यूबिक एरिया पहले, मतलब ऊपर पेनिस के ऊपर का एरिया, वहाँ से धीरे 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 नीचे अंडाशय जो है उसके पीछे वाला जो है पेरिनियम का हिस्सा है, उसको आप धीरे 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 मसाज कर सकते हैं, मतलब दोनों टांगों के बीच में तक, थाइस तक मसाज आप कर सकते हैं धीरे धीरे सहलाते हुए। टेस्टिकल क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर भी दिया तो दर्द हो सकता है, इसलिए उसको धीरे धीरे करना है। जैसा जानवर का दूध निकालते हैं, भैंस का गाय का दूध निकालते हैं, तो वैसा भी आप मतलब ऐसा जो है, या ऐसा जो है, ये ऐसा पूरा मसाज कर सकते हैं, मतलब पीछे से सामने तक, या फिर ये इस तरह का ऐसा 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 ऐसा, मतलब प्रेस करते 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 करते, या ऐसा मसाज आप कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स थंब, ये और ये थंब, इंडेक्स और थंब, इसका इस्तेमाल करके आप धीरे 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 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक आप मसाज कर बाद में छोड़ दे सकते हैं। तो कितने बार करना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार आप कर सकते हैं, और आप पूरी बॉडी मसाज भी करते तो बहुत अच्छा है। तो ये जब आप मसाज करेंगे डेफिनेटली, और आप 3 हफ्ते तक ही मसाज करो, आपकी कमेंट्स डालो कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसी बढ़ी, इरेक्शन में कितना फ़ायदा हो गया, पेनिस को क्या फ़ायदा हो गया। डेफिनेटली आपके कमेंट्स जो है वो आप डालिएगा, और आपको कौन सी वीडियो बनाना है वो भी आप डाल दो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।